पहले नाम किस कारण से होता है? आवर स्पीड से, फोन से, रीड से। यदि आदमी डिसिप्लिन से चलेगा तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। नंबर ट्रेस करके आप जरूर इनकी मदद कर सकते हैं, इनके परिवार तक जो है जो पहुंचा सकते हैं इस खबर को। फिलहाल तक भयानक एक्सीडेंट नरवाना के गांव डुमरका के पास हुआ है और इस भयानक में जो महिला की मौत हो चुकी है। गाड़ी को लेके जाते हुए हाइड्रा की मदद से, तो ये वो जगह थी जहां पर जो गाड़ी पड़ी हुई थी। फिलहाल हाइड्रा की मदद से जो गाड़ी को निकाला जा रहा है, नरवाना प्रशासन यहां पर मौके पर था। फिलहाल आप देख सकते हो क्रेन के माध्यम से है जो गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन आम लोगों से रिक्वेस्ट करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी घटना ना हो जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पर लोगों को हटाता हुआ, क्योंकि इस प्रकार से अगर लोग यहाँ रास्ते में खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरी भी घटना हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो महिला की मौत हुई है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ की महिला है, और जो व्यक्ति घायल है वो हॉस्पिटल में उसको लेके गए। अब कितनी चोटें उस व्यक्ति को आई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो महिला थी मौके पर उसकी मौत हो चुकी है और जिसकी बिल्कुल जो गर्दन है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पहचान में नहीं आ रही है। लेकिन इस गाड़ी के नंबर से, ये गाड़ी का नंबर ट्रेस करके आप ज़रूर इनकी मदद कर सकते हैं, इनके परिवार तक जो है जो पहुंचा सकते हैं इस खबर को। फिलहाल नरवाना के गांव डुमरका के पास ये भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जो हरियाणा रोडवेज बस है उसका और एक वैगनार गाड़ी है, जो न्यू मॉडल की जो वैगनार गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल लाइव तस्वीरें नरवाना के गांव डुमरका के पास से देख सकते हैं, और कहीं दूसरा एक्सीडेंट ऐसा ना हो जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पर जो है प्रशासन व्यवस्था बनाता हुआ और लोगों को समझाता हुआ कि एक साइड में रहे, क्योंकि ऐसे में हाईवे का काम है, कहीं दूसरी दुर्घटना इस कारण से ना हो जो है और व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ऐसे में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और को शेयर ज़रूर करें भाई। देखो वैगनार गाड़ी में जो महिला है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो महिला को महिला की जो डेड बॉडी है वो उठा ली है छोटे हाथी में। फिलहाल इस गाड़ी से निकाला गया, प्रशासन ने खुद जो है इस डेड बॉडी को निकाला है, और इस गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से भयानक एक्सीडेंट नरवाना के गांव डुमरका के पास हुआ है और इस भयानक में जो महिला की मौत हो चुकी है। जो भाई ये डुमरका गाँव के पास हादसा है वहाँ पर मौजूद लोग है, बुद्धिजीवी है बड़े, तो उनसे पूछेंगे सर क्या कारण रहता है इस प्रकार से घटना। जैसे आप एक बच्चे को कह रहे थे कि लीड नहीं लगानी चाहिए, मोबाइल ऐसे चलाते चलाते यूज करते हैं, गाड़ी में भी यूज करते हैं, तो इस प्रकार से ये जो घटना कारण आता है क्या कहना चाहिए पहलवान? किस कारण से होता है? आवर स्पीड से, फोन से, लीड से। यदि आदमी डिसिप्लिन से चलेगा तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आदमी बचाव में चलेगा, भाई गाड़ी में लेकर रोड पर चढ़े, आगे एक पागल है उसको कैसे बचाना है? बिल्कुल। लेकिन जो हमारे संस्कार है, सभ्यता है, वहाँ कमी आ रही है बच्चों के में। अंधा दो जो अभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट होया है, वो गाड़ी एक्चुअली रॉन्ग साइड में थी, तो बस वाला कैसे बचाएगा उसको? अगर वो गाड़ी स्लो होती, कुछ वो कोशिश करता, कुछ ये कोशिश करता, तो ये जो त्यौहार के ऊपर बड़ा एक्सीडेंट होया ऐसा नहीं होना था। तो हम सभी से आगाह करते हैं भाई, जिसके घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बच्चों को ये समझाओ भाई कानों पे लीड नहीं लगानी, फोन को यूज नहीं करना, गाड़ी खड़ी करो, वो भी साइड में करो। कहाँ करनी है? साइड में खड़ी करो और फिर फोन सुनो, फिर गाड़ी चलाओ। 5 मिनट का फर्क को फर्क तो नहीं रहता, जब दुर्घटना हो जाएगी क्या फायदा है? अच्छा जी। इसलिए बचाओ में ही बचाओ है, डीसी में चलाओ, कितने चौड़े रोड हो रहे हैं, अरे एक्सीडेंट स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आज हमारे देश में कितने डेड बॉडी होने लग रही है, ये लापरवाही है। स्पीड नॉर्मल चलो, ये नहीं गाड़ी चलानी आ गई तो 100 का पंजा दाब दे, नहीं डिसिप्लिन चलो, भगवान को ध्यान रखो। नशा का अगर अल्कोहल पहले तो पीने नहीं, पी के गाड़ी पे मत बैठो, तो बचाओ अपना आप होगा नहीं होगा भाई पहलवान। ये जो नए बच्चे हैं खासकर नई जो हमारी पीढ़ी है 15 साल से लेके 21 साल से, सब इनको हम सभी से आगे कर रहे हैं भाई अपना डिसिप्लिन कायम रखो। अगर डिसिप्लिन में है बच्चा तो सही है। कई बार इवन अंकल जी त्योहार है होली का, उसमें भी कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो पिछला जमाना था 50 साल पहले, पानी यूज करते थे, गोबर यूज करते थे, लुगाई करोड़े मारते थे, कोई नशा नहीं करता था भाई। त्योहार का दिन है, मैं सभी से जो भी भाई मेरी आवाज को सुनता हो, मैं त्योहार पे अल्कोहल यूज नहीं करनी, ना ही आपस में लड़ना है। त्योहार का मतलब क्या होया भाई? आपस में प्रेम, एक भाईचारा,
सवारियों को भी चोट आई कुछ मिनट सवारियों को चोट आई है कोई ठीक है ये जो ये कैजुअल्टी भाई बड़ी एक महिला की तो सर हमको इसके बारे में पता चल पाए महिला की जो कैजुअल्टी हुई है खरकपुनिया की अच्छा वे जो इसका डेड बॉडी भाई हॉस्पिटल में पहुंचा दिए जो व्यक्ति था लोग भी काफी आ रहे थे इधर गाड़ी वालों को भी चोट है थोड़ी बहुत गाड़ी वालों को चोट है गांव के लोग काफी मदद के लिए आए हैं गांव डुमरखा से जैसे लोगों को पता लगा फटाफट लोग आए प्रशासन आ गया एम्बुलेंस आ गई जितनी लोगों से मदद करी ट्रैफिक का भी कंट्रोल कराया है और यही कहते हैं भाई अपने अपने बच्चों को भाई गाड़ी स्लो में चलानी डिसिप्लिन से गाड़ी चलानी है रोड बहुत चौड़े हैं फिर भी एक्सीडेंट के कारण क्या हो रहे हैं और कोई सवाल आप लोगों का बस जी बस सुझाव किसी भाई ठीक है चल है कपड़ा को नहीं है एम्बुलेंस के लिए हम लेकर आए हो तो महिला को निकाल लिया गया है क्योंकि दर्दनाक मौत हुई है महिला की तो ऐसे में महिला की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर महिला कहां की है फिलहाल जितने भी दर्शक जुड़े हैं खबर को शेयर जरूर करें दर्दनाक हादसा हरियाणा रोडवेज और एक वैगनार गाड़ी का गांव डुमरखा के पास हादसा हुआ है जिसमें महिला की मौके पर मौत हो चुकी है नरवाणा के गाँव डुमरखा के पास और सदर थाना प्रशासन है मौके पर जो व्यवस्था बनाता हुआ और जो डेड बॉडी है उसको लेकर गए हैं नरवाणा प्रशासन के द्वारा डेड बॉडी को निकाल लिया गया है पहचान की जा रही है आप देख सकते हैं आसपास के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं मैं चाहूंगा जो आपको गाड़ी का नंबर दिखाया है एम्बुलेंस है कि नहीं एम्बुलेंस का देखो कैसे डाल के ले जाएंगे फिलहाल क्रेन के माध्यम से गाड़ी को उठाया जा रहा है जितने भी दर्शक जुड़े हैं खबर को शेयर जरूर करें ये भयानक तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर अरे इसी आओगे तो कब थे भाई साहब कि कहाँ का ये नंबर है ये नंबर थोड़ा ध्यान से देखें जितने भी दर्शक देख रहे हैं और इस नंबर को ट्रैक करके जरा आप उन तक सूचना जरूर पहुंचा सकते हैं अभी प्रशासन की तरफ से कोई ट्रैक नंबर नहीं किया गया क्योंकि प्रशासन अपने कार्यों में व्यस्त है ऐसे में आप जो लाइव जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो ज़रूर मदद कर सकते हैं इनके परिवार तक जो है सूचना पहुँचा सकते हैं कहाँ का ये नंबर है अभी तक ये नहीं पता है फिलहाल वैगनार गाड़ी के जो भी यहाँ इसके अंदर थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है प्रशासन को और जितनी जानकारी रही है कि इसके अंदर जो महिला और व्यक्ति थे व्यक्ति को लेके गए हैं वहाँ हॉस्पिटल में और महिला की मौके पर मौत हो चुकी है और डेड बॉडी भी लेके गए हैं अभी जैसा आपके सामने दिखाया जा रहा है तो जितने भी दर्शक जुड़े खबर को शेयर जरूर करें इनके परिवार तक पहुँचाने में हमारी मदद करें ये नंबर आपके सामने दिखाया जा रहा है फ्लैश किया जा रहा है नंबर ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इस नंबर को ट्रैक करके नंबर ट्रेस करके इनके परिवार तक सूचना पहुँचा सकते हैं और ऐसे में इस गाड़ी को अब उठाने का प्रयास किया जा रहा है तो नरवाना प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है और व्यवस्था मनाते हुए ताकि किसी प्रकार का कोई दूसरा एक्सीडेंट ना हो और ये चीतड़े चीतड़े आप देख सकते हैं गाड़ी के चीतड़े दूर तक पड़े हुए हैं और ये है बस के ड्राइवर जो बस चला रहे थे आपके सामने पहले भी इनसे बातचीत कराई है फिलहाल एक बार तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं पूरी सड़क है जो एक्सीडेंट की गाड़ी का हुआ है उसके सामान से बिखरा हुआ है हरियाणा रोडवेज की बस से ये एक्सीडेंट हुआ है नरवाना के गांव डुमरखा के पास से तस्वीरें देख रहे हैं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं चाहूँगा इस खबर को शेयर जरूर करते जाए ताकि किसी की मदद हो सके इनके परिवार को अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है और रोडवेज की गाड़ी को लेके जा रहे हैं ये देख सकते हैं गाड़ी को निकाल लिया गया है गाड़ी को लेके जाते हुए हाइड्रा की मदद से तो ये वो जगह थी जहां पर जो गाड़ी पड़ी हुई थी फिलहाल हाइड्रा की मदद से जो गाड़ी को निकाला जा रहा है नरवाना प्रशासन यहां पर मौके पर था क्या अच्छा आदमी ये भी आ रहे थे चोट लग रही थी बताओगे थोड़े माथे पे भाई माथे पे चोट लगी हुई थी जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था जो वैगनार गाड़ी में ड्राइवर था उसको
बहुत ज़्यादा चोट लगी और यहीं पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी। महिला की मौके पर मौत हो चुकी है, आप जो कंडीशन देख सकते हैं। पहचान नहीं की जा रही है, लेकिन नंबर ट्रेस करके आप जो है उनके परिवार तक या जिस भी गाड़ी का जो भी मालिक है उस तक जरूर पहुँचा सकते हैं नंबर ट्रेस करके, जैसा आपके सामने फ्लैश किया जा रहा था नंबर। नरवाना के गाँव डुमरगा के पास ये हादसा हुआ है दर्दनाक, जिसमें जो महिला की मौत हो चुकी है वैगनार गाड़ी और हरियाणा रोडवेज बस का। और हमारा काम सिर्फ खबर दिखाना है, किसी भी प्रकार की कोई घटना की कोई पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि मौके पर जो है कोई नहीं था। ऐसे में प्रशासन यहां पर